अगर कोई आपको कहे कि ये पूरी दुनिया एक चूहे दानी के जैसी है आप बोलो कि मैम क्या बात कर रहे हो चैप्टर पढ़ाओ ना मैं चैप्टर की भी बात कर रही हूँ भूमिका चौहान आज का ये जो क्लास है वो है दी रैट ट्रैप चैप्टर के ऊपर समरी करवाऊंगी मैं बट इस तरीके से करवाऊंगी कि पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा सेल्मा जो है वो इस चैप्टर की राइटर है और उनका जो कैरेक्टर है पेडलर वो इस पूरी कहानी के अंदर क्या क्या चीजें करता है उसकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आता है पहले वो दुनिया को क्या सोचता था फिर उसका दुनिया के लिए नजरिया कैसे बदला ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आइए शुरू करते हैं फटाफट -फड़ से इस चैप्टर को जहां पर हम बात कर रहे हैं सलमा जी की ये प्यारी सी जो महिला दिख रही हैं आपको ये स्वेडन से बिलोंग करती हैं। तो स्वेडिश राइटर है और इनकी कहानियों का और बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है मतलब कि ऐसी कहानियां लिखती हैं जिससे पूरी दुनिया में आप कहीं भी कोई भी इंसान पढ़ेगा तो वो रिलेट कर पाएगा कहने का मतलब इनकी कहानियों का जो थीम होता है जो विषय होता है वो यूनिवर्सल होता है सार्वभौमिक होता है कहने का मतलब इनकी कहानियों में अक्सर बात की जाती है कि एक एक अंकल बोल रही हूँ एक इंसान के अंदर की अच्छाई को कब जगाया जा सकता है समझ और प्यार से जी हां थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव उसको जगाया जा सकता है एक इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो पर उसके अंदर की अच्छाई जगाई जा सकती है अगर आप उसे समझें अगर आप उसे प्यार से ट्रीट करें तो गुस्से का जवाब गुस्से से ही देना जरूरी नहीं होता नफरत का जवाब नफरत से देना ही जरूरी नहीं होता वैसे ही बुराई का जवाब बुराई से देना ही जरूरी नहीं होता हम बहुत सी बार बोलते हैं ना कि यार वो ऐसे बोल रहा है तो हम भी थोड़े ना उसके जैसे बन जाएंगे राइट अब ये जो कहानी है ये कहा की है ये ना स्वेडन की ही है वहां पर लोहे की खान होती है ठीक है तो वहां लोहा वगैरह निकाला जाता है और उसकी फैक्ट्रीज़ वगैरह है उधर की कहानी ये ली गई है पुराने जमाने की बात की गई है कि उस समय में ये वाला काम बहुत ज्यादा वहां पे चला करता था ठीक है ये स्लाइड्स आपको सारी मिल जाएंगी आप बस कहानी पर ध्यान दीजिएगा अब यहां पर जो सेलमा जी हैं वो इस कहानी को एक परियों की जो कहानी होती है ना इन मैनर ऑफ फेरी टेल उस तरीके से ये कहानी हमें सुनाएंगी तो आप सभी रेडी हैं तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं अब ये आपको दिखाई दे रहा है लोहे की खान यहां पर देखो ये जो पिंगलाया जा रहा है ना ये क्या है लोहा पिंगलाया जा रहा है तो आप भट्टी वट्टी देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक काम है ये है ना तो ये स्वेडन की बात की गई है वहां की जो फैक्ट्रीज वगैरह होती थी जहां पर लोहा वगैरह पिंगलाया जाता था उधर के एरिया की ये बात की गई है अब इंट्रोडक्शन देखते हैं ये जो कहानी है ये है एक बिल्कुल निराश पेडलर की पेडलर कौन होता है जो गली गली में जा जाकर सामान बेचता है यहां पर हमारा भी पेडलर जो है वो बहुत ज्यादा निराश है आप एक चीज देखना इस कहानी में पूरी कहानी में इस इंसान को कोई नाम ही नहीं दिया गया है कभी इसे पेडलर बुलाएंगे कभी इसे वैगबॉन्ड बुलाएंगे कभी इसे ट्रैम्प बुलाएंगे जिनका मतलब होता है आवारा बेघर ठीक है जिसके पास कोई घर ना हो बहुत ज्यादा गरीब हो फटे पुराने कपड़े पहन रखे हो ये मतलब होते हैं हु इज शोन बाय अ यंग कि भाई ये गरीब सा पेडलर है हमारा बिल्कुल निराश जो दुनिया से बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका है सबको वो सोचता है कि कैसे ना कैसे करके ये लोग मेरा बुरा ही सोचेंगे तो वो भी दुनिया के बारे में बुरा ही सोचता है ठीक है पर उसके अंदर प्यार जगाया उसको सही राह पे लाई उसके प्रति दया दिखाई एक जवान महिला में अब लड़कियां तो कुछ भी कर सकती हैं ये तो आप जानते ही हैं यहां पर भी उस लड़की की दया ने उस लड़की की उदारता ने काइंडनेस ने कहीं ना कहीं हमारे पेडलर का जो नजरिया था दुनिया के प्रति जो कड़वाहट थी वो खत्म कर दी आखिरकार किया तो किया कैसे उसने ये आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए यहां पर जो कैरेक्टर्स आपको देखने के मिलेंगे वो है दी पेडलर प्रोटैगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट मतलब कौन होता है हीरो हमारे स्टोरी का ठीक है उसके बाद है क्रॉफ्ट एक बूढ़ा अकेला उदास उदास भी नहीं बोल सकते पर अकेला बूढ़ा आदमी ठीक है जो क्रॉफ्टर बोला गया है उसको ये क्या किया करता था आ, किराए पर जमीन लेकर खेती किया करता था आयन मास्टर ओनर ऑफ रामजो आयनबर्ग अब ये हमारे जो मेन कैरेक्टर है ना इनकी वजह से ही बहुत बड़ा बदलाव आएगा इनकी जिंदगी में ठीक है तो इनका क्या है लोहे का बिजनेस है ठीक है किनका आयन मास्टर का ठीक है इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है लोहे की एडला विलियमसन ये कौन है ये इनकी बेटी है ठीक है और मास्टर स्मिथ कौन है इनकी ही आयरन की मिल में काम करने वाला एक इंसान है तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं जो आपको देखने के लिए चैप्टर में मिलेंगे ठीक है स्टार्ट करें चैप्टर वेरी नाइस कहानी शुरू होती है एक गरीब पैडलर से जो क्या करता है जो तार से बने हुए रैट ट्रैप्स बेचता है रैट ट्रैप क्या होते हैं चूहेदानी हम लोग घर में चूहा पकड़ने के लिए जो लगाते हैं अब उसका यही सहारा था किस सहारे उसकी जिंदगी गुजर रही थी या तो भीख मांगकर बेगिंग मतलब भीख मांगकर एंड पेटी छोटी थोड़ी थोड़ी कोई छुटपुट छुटपुट चोरी चकारी करकर ठीक है तो छोटी मोटी चोरी करके जैसे तैसे करके टू मेक बोथ एंड्स मीट बोथ एंड्स मीट मतलब वो जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी चला रहा था गुजारा कर रहा था कहीं कही शिकार था वो भूखमरी का उसे पैसा चाहिए था यार है ना उसके पास परिवार नहीं था लोग नहीं थे दोस्त नहीं थे घर नहीं था बीवी बच्चे पैसा कुछ भी नहीं था अकेला था सड़कों पर रहा करता था जैसे तैसे करके भीख मांग लेता था या छोटी मोटी चोरी करके वो रैप ट्रैप बना लेता था उन्हें बेच लिया करता था पर उससे इतना पैसा नहीं आता था कि वो क्या कर सके अच्छे से अपना पेट भर के खाना खा सके या रह सके अब यार इंसान क्या करे बहुत गरीब परेशान और लोग अक्सर उसको देखकर गंदे गंदे मुंह बना देते थे उसे भेज देते थे या मारते पीटते जो भी करते होंगे जिसकी वजह से लोगों के प्रति उसके दिल में ना कड़वाहट भर गई थी और लोगों के लिए इस दुनिया के लिए बुरा सोच के उसको बहुत अच्छा लगता था ठीक है तो देखो अ पेडलर्स लाइन ऑफ थॉट एक दिन हमारा पेडलर ऐसे ही अकेले अकेले सड़क पे घूम रहा था और इस दुनिया के बारे में और अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था दुनिया के और रैट ट्रैप्स के बारे में सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बहुत ही अतरंगी ख्याल आया जिस ख्याल को मतलब वो ख्याल उसको इतना खुश कर देता है इतना खुश कर देता है कि वाह उसे मजा आ जाता है अब ये ख्याल आखिरकार क्या हो सकता है वो ये सोचता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक रैट ट्रैप है और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं घर बंगला गाड़ी पहाड़ पानी नदी कपड़ा खाना ये सब क्या है उस चूहे दानी में लगे उस टुकड़े की तरह है जो चूहे के लिए लगाया जाता है ताकि वो दौड़ कर आए उस टुकड़े को पकड़े और चूहे दानी बंद हो जाए वो कहता है ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है हम पैसा धन दौलत घर कपड़े गर्माहट सब चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं और जैसे ही हम इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं हम इस दुनिया रूपी जाल में फंस जाते हैं हमें सेटिस्फैक्शन थोड़ी ना है है क्या हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है हम एक दूसरे का गला काटने के लिए और आगे बढ़ने के लिए राइट एकदम से उसको आइडिया आता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम में आंसर्स लिखने के ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे आपको इसीलिए मैं ऐसे समझा रही हूं चैप्टर अब जितनी भी कंफर्ट की चीजें हैं जितनी भी खुशियां हैं ये सब क्या है ये लालच है टू ट्रैप आपको फसाने का अप्रे टू सच टेम्पटेशन ब्रिंग्स रूविन और जब आप इन सब का शिकार बन जाते हैं इन सब टेम्पटेशन का इन सब अच्छी अच्छी खूबसूरत प्यारी प्यारी चीजों का लालच का ये विनाश लेकर आती है रूविन enjoys dwelling on this thought during his dreary प्लॉडिंग्स और अब कह रहे हैं हमारा पैडलर क्या करता था जब भी वो अकेला होता वैसे तो वो अकेला था ही पर जब भी वो अकेला होता और सड़कों पर घूम रहा होता तो ये विचार सोच के उसको बड़ा अच्छा लगता उन सब लोगों के बारे में सोचता था जो इस रैट ट्रैप में फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं फिर उसे खुशी होती क्योंकि उन लोगों ने इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था राइट right? तो जब भी वो ऐसे पैर घसीट के अकेला चल रहा होता तो ये ख्याल सोचता और उसे बड़ा अच्छा लगता चलिए ये एक इंट्रोडक्शन था हमारे पेडलर का ठीक है अब आगे क्या होता है और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि एग्जाम में सवाल आता है कि ट्रैप बेचने वाला हमारा पेडलर जो है वो इस दुनिया के बारे में क्या सोचता था तो थ्रू दीज पॉइंट्स आप उस आंसर को लिख सकते हैं ठीक है अब, comes a host. एक दिन क्या होता है? उसका सामना होता है एक बहुत ही उदार, आ, से. होस्ट ठीक है आप किसी के घर जाते हैं तो वो आपका आदर सत्कार करते तो वो होस्ट कहलाते हैं ठीक है अब पता है क्या है एक शाम उसे घर चाहिए था रहने के लिए जगह चाहिए थी तो उसे पता था यार वैसे भी कोई मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलता है पर उसने बोला ट्राई करने में क्या जाता है और वो उसे बोलता है कि यार आज रात रात आप मुझे यहां पर रुकने दोगे तो वो क्रॉफ्टर मान जाता है जिस पे उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या बात है यार आज तो एक बार में जगह मिल गई सोने के लिए अब क्रॉफ्टर भी क्योंकि अकेला होता है ना उसकी बीवी ना बच्चे ना दोस्त उसको एक कंपनी मिल जाती है पेडलर के पास भी ना घर ना बीवी, ना बीवी बच्चे उसको भी एक कंपनी मिल जाती है दोनों सोचते हैं भाई मेरा भी काम हो गया मेरा भी काम हो गया बढ़िया अब क्रॉफ्टर के घर के अंदर उस झोपड़ी के अंदर लिटिल ग्रे कॉटेज बाय दी रोड साइड सड़क के किनारे उसका एक छोटा सा कॉटेज होता है झोपड़ी होती है वहां पर वो खटखटाता है। है ओनर जो है वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी न बीवी न बच्चे वो उसको घर और खाना देता है, दलिया खिलाता अच्छा करोगे? करोगे क्या बताओ पर हमारा ना बड़ा नलायक किस्म का था उसने इतनी इसको दिखाई सिगरेट पिलाई ताश खेला बातें बताई आ, दलिया खिलाया घर दिया रहने के लिए सब कुछ किया सब कुछ किया पर द होस्ट कन्फाइज इन दैडल बात करने का इतना मतलब उस बूढ़े आदमी को था कि उसने सारी चीजें बता दी और बातों बातों में आप बताओ कोई ऐसे अनजान बंदा आपके घर आए आप उसको बोलोगे चल भाई आजा मैं बताता हूं मैं मेरे घर में पैसे कहा रखता हूं सामने वाला कहेगा नहीं नहीं अरे नहीं पागल है क्या इतना थोड़ी कमाया होगा तुमने आजा मैं दिखाता हूं नहीं करोगे ना नहीं करोगे ना ओल्ड मैन था बेचारा कोई लालच नहीं था मन में उसे लगा ये क्या ही करेगा वो बोलता है है? तुझे पता है? मैं पहले ऐसे-ऐसे तो हो गया ना अब मैंने का बेच बेच के तीस पिछले महीने। बोलता है पागल है, का बेच के तीस कौन कमाता है? जैसे अपने यहां रुपया होता है ना वहां पे स्वेडन में क्रॉनर चलता है. तो है इतना पैसा कौन कमाता है बोले तुझे विश्वास नहीं होता बोले नहीं होता वो उसकी खिड़की पे ना वहां पे साइड में घुक होता है उस पे से पोटली निकालता है उसमें सुखड़े हुए तीन नोट रखे होते हैं निकाल के दिखाता है बोलता देख झूठ नहीं बोल रहा मैं और वापस से उसके अंदर डाल के टांग देता है मतलब एक चोर को तुमने दिखा दिया कि ये देखो ये रा पैसा चुरा लो दी ओल्ड मैन अ क्राफ्टर एट रैमजो आयन वर्क्स तो पहले वो क्राफ्टर था रैम आयन में नाउ सपोर्टेड बायक आओ और अब वो एक गाय का दूध निकालकर अपना पैसा चला रहा था डेरी में बेच के उसको अब वो उस पर विश्वास कर लेता है पेडलर पे बेचारे पे ठीक है ऑन थर्टी क्रॉनर लास्ट मंथ उसने बोला मैं तीस क्रॉनर कमाए पिछले महीने वो उसको तीस क्रॉनर दिखा भी देता है जो वहां पर कील पर टंगे हुए होते हैं विंडो फ्रेम के पास में अब पेडलर स्टील थर्टी क्रोनर पेडलर हमारा नलायक एकदम है किसी ने उसके साथ अच्छा किया वो उसके घर में चोरी कर लेता है अगले दिन सुबह होती है बढ़िया खाना वाना खाया इन्होंने ताश वाश खेले बातें करी सिगरेट वगैरह पी और सो गए अगले दिन सुबह उठा वो उसे तो जल्दी उठना था गाय का दूध निकालना था तो पेडलर ने सोचा यार घर का मालिक उठ गया है तो मेरे को भी उठ ही जाना चाहिए है ना उठ जाता है दोनों साथ में निकल जाते हैं क्रॉफ्टर अपने रास्ते पेडलर अपने रास्ते पेडलर के दिमाग में आता है लालच बोले तीसर ऐसे कैसे छोड़ वापस आता है ताला तो लगा होता है पर उसे पता है पैसा कहां पे है। खिड़की तोड़ता है नालायक, खिड़की तोड़ता है ऐसे अंदर हाथ डालता है पाउच निकालता है पैसा निकालता है पाउच वापस टांग देता है करा ना गलत उसने तेरे को खाना दिया तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए ना है ना द ओल्ड मैन लॉक्स द हाउस गोस टू द टू मिल्क द काऊ हाफ एन आवर लेटर द पैडलर कम्स बैक आधे घंटे बाद पेडलर वापस आया चोरी करी ठीक है और भग्या वहां से अब पेडलर ने सोचा कि मेरे पास पैसा है अब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है जब आपने कोई गलत काम किया होता है ना आपको लगता है सब आपको ही देख रहे हैं लगता है ना पेडलर को भी यही लगा बोला यार हाईवे से तो नहीं जा सकता पकड़ा जा सकता हूं पैसा है मेरे पास चोरी का मुझे क्या करना चाहिए मैं जंगल वाला रास्ता ले लेता हूं ये पेडलर की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी पर हम यह भी कह सकते हैं कि यह पेडलर की जिंदगी की टर्निंग पॉइंट थी कैसे था आइए जानते हैं पेडलर जो है पैसे लेके अपने हाईवे की तरफ गया फिर उसने सोचा नहीं नहीं ऐसा नहीं तो पकड़े जाने के डर से वो एक बहुत घने जंगल में घुस गया अब वो उस जंगल में चले जा रहा है 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 थोड़ी देर बाद उसे ये रियलाइज होता है बोले यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत देर से एक ही जगह घूम जा रहा हूं गोल 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 अब सुबह से शाम हो रही होती है दिसंबर का टाइम होता है अंधेरा भी जल्दी हो जाता है फॉरेस्ट बहुत ज्यादा घना था तो अब वहां पर क्या होता है क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज्यादा घना था तो अब वहां पर क्या होता है कि वो थक जाता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि मेरा अंत आ गया है मैं इस भयंकर जंगल से कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा और उसको ये बात स्ट्राइक होती है कि मैं जो दुनिया के बारे में बोलता था वो आज मेरे साथ हो रहा है मैं लालच के चक्कर में उस ट्रैप में फंस चुका हूं और अब मेरी बर्बादी निश्चित है मेरा अंत निश्चित है अब हुआ क्या? ये हुआ क्या थक गया समझ में आ गया उसे मैं फंस चुका हूं एग्जॉस्ट मतलब बिल्कुल थक चुका है हद से ज्यादा थिंक्स दैट फॉरेस्ट इज एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन उसे समझ में आ गया कि इम्पेनिट्रेबल मतलब वो जो जंगल है वो इतना ज्यादा घना है कि उससे बाहर नहीं निकला जा सकता एक ऐसा जेल है वो नो के no भागने का वहां से उस जंगल से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा थक के जमीन पे गिर जाता है टायर्ड एंड डिजेक्टेड एकदम मुरझाया हुआ बिल्कुल थका हुआ डार्कनेस डिसेंड्स ऑन फॉरेस्ट इंक्रीज हिस्स ग्लूम एंड डिस्पेयर सिंक्स डाउन ऑन द ग्राउंड ऑफ द अब पूरा अंधेरा हो गया दिन ढलने लगा राइट right? अब उदासी बढ़ गई डिस्पेयर निराशा बढ़ गई sinks down on the ground नीचे गिर जाता है जमीन पर थक के कह रहा है अब क्या ही कर सकता हूं जैसे ही जमीन पर गिरता है और सोच रहा होता है थका हुआ इतने में ना हथौड़े के मारने की धम 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 आवाज आ रही होती है जोर-जोर से आंखें छज जाती हैं उसकी बोले हथौड़े की आवाज आ रही है मतलब आसपास कुछ है और वो उस आवाज को फॉलो करने लग जाता है उसे समझ में आ जाता है अपनी जितनी बची कुछ स्ट्रेंथ थी सामंज इकट्ठा करना जितनी बची कुछ हिम्मत थी उसे इकट्ठा करता है और उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगता है टायर्ड एंड डिडेक्टेड रीचेज रैम जो आयर्न वर्क आयर्न वर्क मतलब आयरन की मिल थी वहां पर जहां लोहा पिंगलाया जाता था ठीक है भट्टी थी प्रॉपर फैक्ट्री थी तो वो वहां जाता है है ना वहां पहुंच जाता है उसको पीछा करते करते वह गोइंग ऑन इन द मिल वेरी नॉइजी प्लेस काम चल रहा होता है अब यार भट्टी में तो और फैक्ट्री में तो काम चलेगा बहुत जोर जोर से आवाजें आएंगी आएंगी तो कौन फैक्ट्री के अंदर आया कौन फैक्ट्री के बाहर गया पता नहीं चलता अक्सर बहुत नॉइजी जगह थी बहुत शोर शराबे वाली जगह थी ओपन द गेट एंड एंटर्स द फोज गेट खोलता है

मतलब जवाब भी नहीं देता कुछ क्योंकि उसे लगता है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसे आता रहता है ठीक है चलो हुआ ये काम तो उसे ना अकड़ की तरीके से कंसेंट अब वो फर्नेस के पास वहां पर ही लेट जाता है और सोचता है तो बढ़िया मुझे अब बच गया फाइनली है ना ये सोचता है अब एक बार से सबक ले लेना चाहिए था ना उसको लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था पर नहीं लेता नहीं लेता बताऊं अभी कैसे देखो आयन आयन मास्टर्स नाइटली विजिट एंड इंस्पेक्शन अब उस आयन मिल का जो ओनर था आयन मास्टर वो बहुत तगड़ा आदमी था भाई वो कहता था कि बाजार में मेरी तरफ से जो लोहा जाएगा ना ए वन क्वालिटी का जाएगा बोले ठीक है ए वन क्वालिटी का जाएगा तो तो वो सुबह शाम ना इंस्पेक्शन के लिए आता था निरीक्षण के लिए कि काम सही चल रहा है या नहीं कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहा है है ना किस क्वालिटी का काम है जो वहां पर जा रहा है ओनर्स एम्बिशन टू मेक गुड आयरन ओन का एम्बिशन था ये कि मैं अच्छा लोहा बनाऊंगा मेक्स नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन वो निरीक्षण करने के लिए राउंड पे आया करता था अब आज शाम को भी वो आया और वो वहां पर पेडलर को भट्टी के पास लेटा हुआ देखता है तो उसका ध्यान वहां पर जाता है कि ये कौन है? और क्योंकि वहां अंधेरा होता है क्योंकि भट्टी की आग की थोड़ी सी लाइट उसके ऊपर गिर रही होती है तो आयन मास्टर को यहां धोखा हो जाता है वो सोचता है ये मेरी रेजिमेंट का कोई दोस्त है पुराना नील सोल और वो कहते अरे भाई तू यहां अब पेडलर का दिमाग घूम जाता है पेडलर को तो पता ही ये जो सोच रहा है वो मैं नहीं हूं है ना पर उसे क्या लगता है कि अगर अब ये बंदा मुझे वो समझ रहा है क्या पता कुछ पैसा दे दे दिमाग देखो उसका अभी अभी चोट खाई थी फिर से लालच

द पेंडलर डाजेंट डिनाई हिज आइडेंटिटी वो मना नहीं करता ये गलती होती है उसकी ठीक है इन द होप ऑफ गेटिंग सम मनी कि थोड़ा पैसा मिल जाएगा इससे आय मास्टर अब उसे बोलता है कि चल तू मेरे घर चल मैनर हाउस मतलब मेरे बंगले में चल तू समझ जाओ मेरे बंगले में चल भाई तू तेरी ये हालत मैं नहीं देख सकता मैं तेरे को नौकरी दूंगा मैं तेरे को ठीक करूंगा खिलाऊंगा पिलाऊंगा हालत देख क्या खाता पीता नहीं है हालत कैसी हो गई है पकड़े जाने के डर से क्योंकि जेब में चुराया हुआ पैसा है और उसे लगा कि पकड़ा जाऊंगा है ना तो वो मना करता है बोले नहीं 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 मैं घर नहीं जा रहा तेरे है ना मैं यहीं पर रात गुजार लूंगा मेरे को नहीं जाना अब वो बोलता है, यार ऐसे कैसे है घर तो चलना पड़ेगा तेरे को तू ऐसे मत सोच कि मेरा घर कोई बहुत बड़ा है तू जा नहीं सकता आयन मास्टर को लग रहा था कि शायद ये शर्मिंदा हो रहा है रियल में कोई शर्मिंदा नहीं होता चोरी के पैसे थे जेब में और झूठ बोल रहा था इस वजह से पकड़ा जाने के the ओ, बिल्कुल, जोरदार, तरीके से बोला मैं नहीं जाऊंगा तेरे घर मास्टर को लगता है कि पेडलर ना थोड़ा एम्बेरस हो रहा है क्योंकि उसके फटे हुए कपड़े है ठीक है थोड़ा हालत वालत टाइट है इस वजह से कहता है कि यार मुझे लगता है कि ब्लैकस्मिथ तेरे साथ ही रहना चाहता है ये मेरे साथ नहीं जाना चाहता मजाक मजाक में और वो वहां से चला जाता है पर जो लवार होता है जो ब्लैकस्मिथ होता है उसे समझ आ जाता है बोले ये तो अभी वापस आएगा पक्का क्योंकि जैसे ये बाय करके जाता है आज बाय नहीं करके गया थोड़ी देर बाद उ, मतलब जाने से पहले वो उसको ये भी बोलता है कि यार तू टेंशन मत ले मेरी बेटे भी बाहर अब्रॉड में है और बीवी मेरी मर चुकी है ठीक है तो मैं केवल अपनी बेटी के साथ वहां पे रहता हूं और अगर तू आएगा तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पर फिर भी वो मना कर देता है अगेन इनवाइट हिम सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम बोलता है कि यार क्रिसमस मना लियो हमारे साथ चल ले पेडलर फिर मना कर देता है तो आयरन मास्टर वहां से चला जाता है बोले ठीक है अब ज्यादा हो रहा है थोड़ी देर बाद घोड़ा गाड़ी की आवाज आती है और उसमें होती है एडला विलियमसन अब तुम जानते हो लड़कियां अच्छे से कर लेती है मनवा लेती है बातें इतनी कोई खूबसूरत नहीं थी एडला पर प्यारी बहुत थी हाँ। और जब उसने बोला आकर हमारे पेडलर को कि बताओ भाई चलोगे घर पापा ने बोला ऐसे ऐसे तुम उनके दोस्त तो चल दे रही हो तुम चलो ना बोले जैसे तुम चल रहे हो वैसे तुम वापस आ सकते हो हम तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे जितनी देर तुम्हारा मन करे उतनी देर रुक जाना पर क्रिसमस ईव के लिए हमारे साथ रुक जाओ आती है बड़े प्यार से आधे घंटे के अंदर ही इतनी ज्यादा प्री नहीं थी पर विनम्र थी बहुत शाय थी अब पेडलर जो है उसने पेगायरन लगाया हुआ था अपने सर के नीचे पेगायरन इस तरीके का दिखता है तो तकिए के तरीके से उसने लगाया हुआ था बेटी आती है अंदर जैसे ही वो आके उसे उठा दे तो वो एकदम से चमक के डर जाता है तो बेटी समझ जाती है या तो ये जेल से भागा है या इसने कोई चोरी चकारी की है पक्का वो समझ जाती है तो डॉटर इंट्रोड्यूस एडला विलियमसन डॉटर बता दिया विलियमसन हूँ और वो वापस से उसको इनवाइट करती है कहती है चल यार क्रिसमस ईव मना लियो पापा का इतना मन था तेरे साथ और आ, ऐसे ऐसे अब कोई ऐसी नई बात नहीं थी जो उसके बाप ने नहीं बोली थी और इसने बोल दी पर हमारा पेडलर मना नहीं कर पाया एडला की बात को और फर कोट जो उसके साथ उसका सर्वेंट होता है वो लेके आता है वो उसको फर कोट देता है ब्लैकस्मिथ स्मिथ वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा है बोले ऐसा कौन आदमी है ये हैं है कौन ही इसको इतना वो मिल रहा है बेटी आई है फिर मनाने के लिए ओ अपने ऊपर फर डालता है और घोड़ा गाड़ी की तरफ आगे बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं वो जो लेडी की विनम्रता होती है उसका प्यारापन होता है वो पेडलर के दिल को छू लेता है चल देता है अब उस घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है घोड़ा गाड़ी में बैठने के बाद क्या हुआ घोड़ा गाड़ी में बैठने के बाद यह हुआ कि उसे लगा तू तो गया तू ना आज अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है अब वो उसका मतलब उसके जमीर में पछतावा आ रहा है कि मैंने क्यों चुराए पैसे मेरी क्या मती मारी गई थी क्या अब मुझे कोई नहीं बचा सकता ठीक है खुद को कोस रहा है बुरे तरीके से और कह रहा है मैं आप पूरे तरीके से फंस चुका हूं उस ट्रैप के अंदर और मैं अब इस ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकल सकाउंगा कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा चलो भाई आयन मास्टर प्लान अबाउट रेजिमेंटल कॉम्रेड अब आयन मास्टर ने तो पूरा प्लान बना रखा था हमारे के लिए क्योंकि वो तो उसे दोस्त समझ रहा था बोला आएगा वो ठीक है इसको थोड़ा खिलाऊंगा पिलाऊंगा तंदुरुस्त करूंगा ठीक है और उसे कुछ अच्छा काम वगैरह दूंगा ये कहाँ ट्रैप वगैरह बेचता हुआ घूम रहा है यहाँ पे डॉटर उसको पूरा प्यार पूरी सिंपथी दिखाती है ठीक है एजुकेशन पर उसकी बेटी ये बोलती है यार ये जिस तरीके का लग रहा है ना पिताजी ये लगता तो नहीं है यार ये पढ़ा लिखा सा आदमी है है तो बाप बोलता है उसका कि अरे यार बेटा अभी तुम देखना ये जब नहा धो के आएगा ना तो थोड़ा सा रहेगा ना ढंग से तो तुम्हें लगेगा अब अभी थोड़ा सा वैसी हालत है ना इस वजह से तुम्हें नहीं लग रहा अब आयन मास्टर को लगता है कि यार इसके तरीके बदल जाएंगे है ना वो अपनी बेटी को बोलता है कि पेशेंस रखो बोले इसको साफ सफाई करवाते हैं और हो सकता है कि इसके अंदर बदलाव लगे ये पढ़ा लिखा लगे द गेस्ट क्लीन अब हमारा जो गेस्ट था देखो अलग अलग जगह कभी गेस्ट बोल रहे हैं कभी पेडलर बोल रहे हैं, हैं, कभी कैप्टन बोल रहे कुछ कुछ बोल रहे हैं। आया भाई नहा धोके जैसे ही नहा धोके आया साफ सुथरा होके आया कपड़े पहन के आया आयन मास्टर को समझ में आ गया मेरे से तो गलती हो गई ये तो वो बंदा नहीं है जो मैं समझ रहा था अब वैले बैड वैले जो था सेवक जो था उसने उसको नहलाया धुलाया उसके बाल काटे शेव किया और वो सामने उसको दिन के उजाले में लेकर आया तो आयरन मास्टर उदास हो गए देखकर बिकॉज ही डिजेंबल अपियर ही डज नॉट रिजेंबल रिजेंबल मतलब एन ओल्ड अक्वेंटेंस कि अब वो पहचान में नहीं आ रहा था अब वो वैसा दिखाई नहीं दे रहा था कि वो एक मेरा कोई पुरानी जान पहचान का आदमी हो मतलब कि आयन मास्टर को समझ में आ गया था कि मुझसे गलती हो गई है और अब वो उस गेस्ट के ऊपर चिल्लाता है जोर से कि मैंने मना तो किया था मेरे को नहीं आना है जब तो नहीं, नहीं चलो चलो बेटी को भी भेज दिया चलो 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 जबरदस्ती घसीट के ले आए मेरे को मैं तो मना ही कर रहा था मैं तो वहां पे सो के चला जाता अगले दिन खुद तो मेरे को लेके आया अब मेरे को बोल रहे एक्सप्लेन करो गेस्ट अपने आप को डिफेंड करता है कहता मैंने तो नहीं बोला कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त हूं तुमने बोला मैं तुम्हारा दोस्त हूं पर तूने मना भी तो नहीं किया वही बात है ना मैंने झूठ नहीं बोला पर मैंने सच छुपाया राइट टेल जिम इम प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन फोर्ज बोला मैंने तो बोला था रिक्वेस्ट की थी भीख मांगी थी कि मुझे रहने दो वहीं पर और बोला कि कोई बात नहीं अभी देर नहीं हुई है कुछ नहीं बिगड़ा ये लो तुम्हारे कपड़े, अभी अभी दे हूं, मेरे पुराने कपड़े दे दो मैं चला जाता हूं मास्टर उसे पुलिस को देने, की देने लग जाता है बोला पुलिस से बात करूंगा वो बोला, क्या कंडक्ट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट वो बोलता है कि अच्छा तो तूने बोला नहीं तो तूने मना भी तो नहीं किया कि मैं वो नहीं हूं और वो उसको डरावा देता है कि अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा शेरिफ मतलब पुलिस इंस्पेक्टर को बुला के तुम्हें उसके हवाले करूंगा पेडलर का दिमाग खराब हो गया यहां पे बोले बहुत हो गया भाई अब ज्यादा हो रहा है अब अब वो बोलता है अपनी हथेली हाँ से इससे जोर से टेबल पे मारता है इस दुनिया के अंदर जितनी भी ये चीजें हैं ये ट्रैप की तरह है लालच की तरह और जो भी इसको पकड़ने की कोशिश करता है वो उसमें फंस जाता है बुलाई दिन तुम भी फंसोगे आयन मास्टर को उसकी बात बड़ी अच्छी लग जाती है तो उसे बोलता है चल ठीक है नहीं बुला रहा मैं पुलिस पुलिस को इतने में ही क्या होता है कि उसे बोलता है कि ऐसा कर तू तुरंत ना निकल ले ठीक है सो अफेक्टेड बाई ट्रम्प आर्ग्यूमेंट ड्रॉप्स द आइडिया ऑफ रिपोर्टिंग दी मैटर टू दि शेफ तो वो अपना आइडिया ड्रॉप कर देता है कि ठीक है अपन पुलिस को नहीं बुला रहे हैं पर तू ऐसा कर फटाफट निकल ले यहां से अब बेटी तो अच्छी थी बेटी बोलती है पहले तो इन्वाइट कर लिया हमने इसको अब हम इसको भेज रहे हैं है ना ये तो गलत बात है ना तो उसके दिल में दया आ जाती है वो सोचती है सारी साल कोई भी इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करता अब पहली बार कुछ होने लगा था तो ऐसा हो गया अब आयन मास्टर की डॉटर बीच में पढ़ती है वैगबॉन्ड अब की बार उसको क्या बोला जा रहा है हमारे पेडलर को ही वैग बॉन्ड ठीक है वैगबॉन्ड मतलब भी आवारा तो वो चाहती है कि भाई वो जो ट्रैम्प है अलग अलग ये सारे नाम ये भी पेडलर है ये भी पेडलर है सारे नाम पेडलर के हैं रियल नाम दिया ही नहीं है उसका कहने का मतलब ये दिखाया गया है कि हमारे समाज में इस तरीके के लोगों की कोई पहचान ही नहीं है उनके जीने मरने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता उनके होने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता ये दर्शाया जा रहा है समझे फील्स दैट इट इज अनफेयर टू टर्न आउट ऑन क्रिसमस क्रिसमस इसके साथ ऐसा बर्ताव करना अच्छा नहीं है यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फील सिंपथी फॉर द ट्राम्पू इज वेलकम्ड बाय नन उसके लिए दया आ जाती है उसके दिल में कि इसको कोई भी यार कोई भी इन्हें अपने घर में नहीं घुसने देता कोई इनसे प्यार से बात नहीं करता कहीं पे इनका स्वागत नहीं किया जाता है वो चाहती थी कि एक दिन उसको सुकून का तसल्ली का दिया जाए मैं दूंगी वो दिन बस एंड मास्टर की जो डॉटर है यहां पर उसके पापा बोलते हैं भाई देख ले जो कर रही है तू तो अपनी रिस्क पे करना मैं नहीं हूं तेरे बीच में वो उस स्ट्रेंजर को हाथ पकड़ के लाती है और टेबल पर लाकर बिठा देती है बस यही बात यही बात उस लड़की की हमारे पेडलर के दिल को छू जाती है वो क्योंकि पता है क्या होता है वो कहता है आज तक किसी ने मेरे लिए इस तरीके से स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए कोई ऐसे नहीं बोला मेरे लिए कोई ऐसे नहीं लड़ा मुझे कोई नहीं समझा और बस ये होता है वो समय जब जिंदगी की सारी चीजें उसके लिए बदल जाती हैं क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं द स्ट्रेंजर ईट्स फूड बट वंडर्स अबाउट एडलाज मोटिव वो खाना खा रहा है फिर भी एडला के मोटिव के बारे में सोच रहा है कि आखिरकार इसने ऐसा किया तो किया क्यों रीजन क्या था क्रिसमस फेयर स्ट्रेंजर स्लीप द होल आफ्टरनून अब वहां सारी चीजें हो रही है ठीक है जो भी क्रिसमस पे होता है वो सब चीजें हो रही है दोपहर का खाना खाता है पर आपने देखा पता है पेडलर क्या करता है वहां पे ऑल टाइम सोता है चैन की नींद बोला अपनी पूरी लाइफ में मैं इतना नहीं सोयाऊंगा जितना मैं वहां पे सोया खाना खाने के लिए उठता है फिर जाके सो जाता है फिर वो कोई सेलिब्रेशन के लिए उठता है फिर जाके सो जाता है अब वेक्स अप टू ईट क्रिसमस डेलिकेसीज क्रिसमस पे जो प्यारी प्यारी चीजें बनी होती है हो, बढ़िया बढ़िया खाने की उसके लिए उठता है गोस टू स्लीप अगेन फिर फिर से से सो सो जाता जाता है, है। जाके ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने जन्मों से भाई वो इंसान सोया ही नहीं है ठीक है फिर क्रिसमस ट्री पे जो भी लाइटनिंग वगैरह करनी होती है और क्रिसमस फिश और पॉरेज खाना होता है उसके लिए उठता है उठता है वहां पर और सभी बंदों के पास जाता है जो भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं और उन्हें गुड नाइट कहता है उस लड़की के पास जाता है उसे शुक्रिया अदा करने के लिए तो वो लड़की उसे कहती है कि जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं ये कपड़े तुम तोहफे के तौर पर रख सकते हो और वापस से जाकर वो जो गेस्ट होता है वो सो जाता है तो मास्टर उसकी जो डॉटर होती है ना वो चर्च जाते हैं अगले दिन सुबह ठीक है और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि किसी एक ओल्ड क्राफ्टर के ना एक रैक ट्रैप बेचने वाले इंसान ने तीस क्रॉनर चुरा लिए तो इस बात पे अडला बहुत निराश हो जाती है अडला को लगता है यार मैंने गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लिया और अडला के पापा बोलते हैं मैंने तो बोला ही था तुम्हें तुम गलत कर रही हो तुम गलत कर रही हो अब वो वापस आते हैं चर्च से दौड़े 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 मतलब अपनी घोड़ा गाड़ी में और आके बाहर जो होता है ना

और उसको गिफ्ट रैप किया ऐसे ही गंदा सा और बोला कि ये एडला को मेरी तरफ से और एक लेटर भी लिखा हुआ था जिसपे उसने साइन किए हुए थे नील्स कि तुमने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया तो मेरा फर्ज बनता है कैप्टन की तरह बिहेव करने का एक चोर की तरह बिहेव करने का नहीं द गर्ल फील्स डिजेक्टेड लड़की बड़ी निराश हो जाती है पापा सोचते है कि आज तो सब कुछ ले गया होगा सारी चांदी की चम्मच ले गए होंगे पर वो बोलते हैं कि उसने कुछ नहीं लिया है ठीक है एक पैकेट छोड़ के गया है क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर एडला के लिए और जब वो अच्छे से पैक नहीं होता वो ऐसा ही पैक करना आता होगा उसको उसके अंदर एक छोटा सा रैट ट्रैप होता है और वो थर्टी क्रॉनर होते हैं और उसके अंदर उसने एक लेटर में लिखा होता है कि प्लीज आप ये पैसे उसको रिटर्न कर दीजिएगा वो अपना आभार दर्शाता है कि आपने जो इतना अच्छा व्यवहार किया मेरे साथ मेरा आदर सत्कार किया उसके लिए धन्यवाद उसको शुक्रिया अदा करता है कि मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट करने के लिए धन्यवाद इन अ कैप्टन लाइक मैनर और मैं एक कैप्टन की तरह ही आपको ट्रीट करना चाहता हूं बिहेव करना चाहता हूं बस कैप्टन बॉन्स नाम से साइन करता है और बोलता है उसको कि थैंक यू मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मैं आपसे ये सब चीजें छोड़ दूंगा और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहां पर खत्म हो जाता है और पेडलर की जिंदगी बदल जाती है मजेदार चैप्टर था आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा अब आप खुद से एक बार जब चैप्टर रीड करेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी मेन पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सभी पॉइंट्स अगर आप कॉपी में लिखेंगे आपको आंसर्स लिखने में बहुत काम आएंगी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए या नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए एंड uh, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ बहुत सारा शेयर कीजिए बाय एवरी टेक केयर ऑल द बेस्ट